हाँ तो यार, कैसे हैं आप सब? तो यार, आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर LCD इंस्टॉल करवाने। अभी जो मेरे पास गाड़ी है वो है टोयोटा विट्स, जो कि है 2007 मॉडल, 12 की इंपोर्ट है। तो गाड़ी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ जब मैंने ली थी, और रिसेंटली इसको मैंने परचेज़ किया था। इसके बारे में मज़ीद मैं बहुत सी बातें बताऊँगा इस वीडियो में। गाड़ी की LCD है वो काफ़ी ओल्ड स्टाइल है, क्योंकि जेन्युइन LCD लगी हुई थी, किसी ने चेंज नहीं करवाई थी। या समटाइम लोग करवाते भी हैं तो वह निकाल लेते हैं उसको और उसकी जगह पर पुरानी वाली ही लगा लेते हैं। ये वाली अभी LCD लगी हुई है। इस LCD के मसले मुझे जो दिखाई देते हैं वो ये है कि ये एक तो स्लोली लोड होती है बहुत ज़्यादा, दूसरा इसका टच बहुत ज़्यादा हार्ड है। अच्छा यार, इस गाड़ी के कुछ मैं बहुत मज़ेदार फीचर्स बताना चाहता हूँ। एक तो भाई जापानीज कार है, क्वालिटी बहुत हाई है इसकी, हर चीज़ की बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपको पता चलता है यार, आप एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, और जो इसकी ड्राइव है ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इससे पहले जिन गाड़ियों के साथ मेरा एक्सपीरियंस था वो सेंट्रो कल्टस 2015 मॉडल, और इवन मैंने CFB रखी है। और इस गाड़ी के बारे में जो मेरे रिमार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और जो विड्स है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं मिल सकती है। आप अगर ऑल्टो की तरफ मूव करते हैं तो वो सारी गाड़ियाँ सेमी ऑटोमेटिक हैं, और जिन लोगों का सेमी ऑटोमेटिक का नहीं पता वो रिसर्च कर सकते हैं। ये विड्स CVT तो नहीं है, लेकिन स्टिल जो इसके जब हम गियर इसका शिफ्ट होता है ऑटो, तो वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे, दो तीन LCDयाँ देखेंगे, उनके रेट लेंगे मार्केट से, और मैं इस वक्त फैसलाबाद में हूँ तो मैं जा रहा हूँ इस टाइम सरगोधा रोड वाली साइड पे। फिर देखेंगे जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी उसको लगवाएंगे हम, क्योंकि एक तो मैं नेविगेशन चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए, वीडियोस वगैरह भी प्ले हो सकें, और बस वरना इसकी LCD पे बैक कैमरा भी चलता जो अभी लगी हुई है, लेकिन वो ये काफ़ी स्लो है, टच काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ओल्ड होने की वजह से। अब जाहिर बात है, एक चीज़ उन्होंने 2007 में दी थी तो वो 2007 के हिसाब से थी, और मैं अब वाली चीज़ लगवाना चाहता हूँ। अच्छा यार, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई विड्स की पेट्रोल एवरेज अच्छी है या नहीं है। तो यार, जो विड्स की पेट्रोल एवरेज है वो लॉन्ग पे बहुत अच्छी है, और इन सिटी भी अच्छी है। अभी जब से मैंने गाड़ी लिया है, इस पर माय एक्सपीरियंस मुझे ये लॉन्ग पे एवरेज देती है तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर विद AC, ठीक है, ऑटोमेटिक भी है विद AC, ये एवरेज देती है। और लोकल मुझे ये दे रही है इस टाइम ऑलमोस्ट कोई 14 की एवरेज दे रही है मुझे ये लोकल विद AC। और मैंने जब से लिया, इसका कोई काम नहीं करवाना पड़ा मुझे, और ये मेरी पहली ऐसी पुरानी गाड़ी है इसका लेके मुझे काम नहीं करवाना पड़ा। अलबत्ता इसका टायर चेंज करवाने हैं मैंने, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों तक करवाऊंगा। अच्छा, अगर इतनी गर्मी में विड्स के AC की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा AC है इसका, बहुत ज़बरदस्त कूलिंग है। अभी बाहर धूप है लेकिन स्टिल बहुत अच्छा काम कर रहा है इसका AC। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता कि मैं एक छोटी गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई आई लाइक जापानीज कार, और बहुत से लोग इसी वजह से जापानीज गाड़ियों को प्रेफर करते हैं। इनकी प्राइस रेंज सेम होती है, बस ये है कि यूज़ में बाय करनी पड़ती हैं आपको, न्यू ये गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। तो अगर हम इसके गियर शिफ्टिंग वाली साइड पे आता हूँ तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड D के साथ ही, और जो कि जब गाड़ी आपने बहुत ज़्यादा भगानी हो तब आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें B भी मिल जाता है। B किस लिए होता है भाई? B का ऑप्शन है वो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, वो किस लिए है? B इसके अंदर लोअर गियर है इसका, जो कि जब आप चढ़ाइयों से उतर रहे हो वहाँ काम आता है। वो इंजन ब्रेकिंग करता है, जो कि एक बहुत एडवांस फंक्शन था 2007 के हिसाब से जिस गाड़ी के अंदर आया था। तो ये भी इस गाड़ी का एक बहुत अच्छा फीचर है। आपको सारी गाड़ी पावर मिल जाती है, साइड वाले मिरर्स तक पावर है, उनकी फोल्डिंग भी पावर है, कंट्रोल भी पावर है। तो इससे हटके आपको गाड़ी की, इतनी पुरानी गाड़ी है ये, स्टिल इसकी हर चीज़ अपनी वर्किंग में है। तो यही क्वालिटी डिफरेंस है। मुझे यूँ लगता है कि अगर आप कोई जापानीज कार बाय कर रहे हैं 2007-08 मॉडल, तो वो ऐसे ही है पाकिस्तानी गाड़ी कोई 16-17 मॉडल बाय कर रहे हैं, इतना क्वालिटी डिफरेंस है। पर गाड़ी अच्छे से रखी हो, किसी ने संभाल के, ये भी मैटर करता है। तो अभी यार मार्केट आ चुका हूँ मैं, कि हर जगह मार्केट है गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की। अभी यहाँ से यूटर्न लूँगा और वापस जाऊँगा मैं इस साइड पे। तो यार, ये लेफ़्ट साइड पे मेरी सारी शॉप्स ही हैं, यहाँ पे किसी एक शॉप पे मैंने रुकना है, तो वहाँ रुकते हैं और रेट लेते हैं हमें क्या मिलता है LCD का रेट। ये वाली है, ठीक है, डिजिटल वाला भी, ठीक है, एक फ्रेम लगेगा इसके साथ, ठीक है, तो आपकी सारी फिटिंग, ठीक है। अच्छा, विद फ्रेम इसके क्या चार्जेज है? ये आपको मिल जाएगा, 8 का ये मिलेगा फाइनली, और 2500 का इसका फ्रेम मिलेगा, ये 500 हो गया, 500 फिटिंग का, 11000 हो गया,
यानी कि टोटल 11,000 रुपये। इसके साथ मेरे जो फ्रंट स्पीकर काम करते हैं कोई फर्क तो नहीं आएगा उनकी क्वालिटी में? तो यार अभी लगा के देखेंगे कि क्वालिटी कैसी है एलसीडी की। फ्रेम के साथ लगा के ठीक है ये इसका फ्रेम है जी, ये इसकी मतलब फिटिंग यानी ये वेट्स के हिसाब से बनाया हुआ है, हाई वेट्स का इसी मॉडल का। ठीक है, तो मैं अभी आपको ग्रिप लगा के आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करके चेक करवा देता हूँ। ठीक है, फिर जो भी आप कहेंगे। ठीक है, ये मैं उठा लेता हूँ। ऐसे ही बाहर आ जाएगा इसका सारा फ्रेम जी। अच्छा, बड़ी आसानी से निकल आता है ये तो, मतलब ये भी टेक्निक से आता है, जहाँ मन तोड़ भी नहीं। हाँ, आपको पता है कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ से खींचना है और वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यार अभी ये भाई बता रहे थे आजकल मार्केट में जो भी पैनल्स वगैरह आए हुए हैं तो उसके अंदर मोस्टली लोग गलत गाइड करते हैं, तो इन भाई के पास बड़ी देर से हम काम करवाते हैं, तो वो कह रहे थे कि यार नॉर्मली जो ये जो पैनल्स आते हैं इनकी 1 GB रैम होती है, 16 GB इनकी मेमोरी होती है, लिखा 4 चौंठ होता है, और अंदर भी मेंशन है। हाँ, ये चाबी इसकी ले लें, जबकि किसी ने उसको इतना फुल तो करना नहीं होता कि उनको पता लग जाए कि भाई इसकी इतनी मेमोरी है ना, कोई बाद में आता है, तो ये पॉइंट का आप भी ध्यान रखें। लास्ट में यूट्यूब मतलब चल रही है, सबसे बेहतर आराम से चलाते हैं, कोई इंस्टॉल नहीं करते इसके अंदर चीज़। मैं समझ रहा हूँ ऐसा ही है। ठीक है, हो गई है और हो गई। अब ये पेपर ऐसे ये इसका डिस्प्ले है सारा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इससे कॉल वगैरह भी हर चीज़ ये देखिए, अभी इसकी सेटिंग चेक कर रहे हैं, मतलब इसमें लिखा क्या है अबाउट। ठीक है, ये इसका मॉडल है पैंटर सी। ठीक है, ठीक है, 32 और 1 GB लिखा हुआ है, जबकि ये 16 है एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है ना, मतलब 4 चौंठ भी लिखा लें, जो मर्जी मतलब लिखा लें वो बाद में। यहाँ से बैक हो गई। अच्छा, बैक कैमरा ऑटोमेटिकली इस पे खुलेगा। हाँ, मैंने अभी वो कनेक्शन से जस्ट आपको चेक ही करवाया, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, ये स्पीकर इसके ये मेरे वाले ही चल रहे हैं ना स्पीकर? अभी सॉन्ग नहीं है ये, मतलब जस्ट इसके चेकिंग के लिए। ठीक है, आप करें इसको लगाने। बिल्लू के नाम से ही लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, तो भाई ये बिल्लू कार डेकोरेशन की जहाँ पे मैं आया हूँ ये दुकान का नाम है, ये भाई का भी नाम है, और इनकी आंखों की वजह से इन्हें ये कहा जाता है। तो आगे से इंस्टॉलेशन इसकी करवाता हूँ और आपको बताता हूँ फिर कैसा एक्सपीरियंस है इसके साथ मेरा। अच्छा, ये एंटीना क्या काम करता है भला? ये GPS के मतलब आप गाड़ी की स्पीड वगैरह ये वो लोकेशन वगैरह लगाएंगे। अच्छा, ये काम आता है। अच्छा, इंटरनेट के साथ ही काम करता होगा ना? जी बिल्कुल, नहीं ऑफलाइन पे भी मैप काम करता है। ऑफलाइन पे भी काम करता है फिर? आप वो सेटिंग कर लेना ना ऑफलाइन। अच्छा, तो 2 USB की वायर्स मिल जाती हैं, आप चाहें तो एट अ टाइम 2 लगवा सकते हैं या एक अभी लगा लें, जब कल को एक वायर ख़राब हो जाए तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी इसे ऑन हो लेने देते हैं, अभी इसका बैक कैमरा भी चेक करना है कि सही काम कर रहा है इसके साथ। तो सेटिंग होने वाली है ये। अच्छा, ये ऑटो डिटेक्ट करता है कैमरे को जी। अच्छा, अब चलेगी। और ये क्या दिखाती है जी? ये मतलब उसकी क्या होती है, वैसे हैस्टा वैसी होती है। सो यार पैनल लग चुके हैं और मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में इसके बारे में अपना रिव्यू भी शेयर करूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।